दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कितना सारा सामान है ड्रिप का। देख लीजिए, मैं आज इस दुकान में आया हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, दुकानदार भाई साहब सामान निकाल रहा है। नमस्कार नमस्कार। ठीक है, तो ये बुलाया है मेरे को, ड्रिप कैसे सेट करते हैं इसके बारे में जानकारी पाना चाहते हैं मेरे से। तो मैं उनको उनके साथ साथ मैं आप सभी को भी बताऊंगा कि ड्रिप को कैसे सेट किया जाता है पूरा डिटेल से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा, पास में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पीवीसी पाइप लेना होगा, देखिए जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को। उसके बाद आपको बेंचुरी लेना होगा, ये देखिए। उसके बाद वाल लेना होगा, फिर यार वाल लेना होगा, फिर कुछ टी लगेगा, फिर कुछ एल्बो सॉकेट लगेगा, फिर आपको लेना होगा प्रिंटर। देखिए ये फिल्टर ले लेना होगा, और इस फिल्टर को जोड़ने के लिए फिर जो पीवीसी से और फिल्टर को जोड़ने के लिए सॉकेट लीजिएगा, चूड़ी वाला और प्लेन वाला। एक साइड प्लेन रहेगा, एक साइड चूड़ी रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बेंची को सेट करते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अब वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे कि मैंने खोल लिया इसको आपको सेट करना है। ध्यान दीजिएगा, जो वॉशर है रबड़ है, इसको इधर सेट करके उसके बाद ही लगाइएगा, नहीं तो पानी आपका लीकेज होगा। जैसे कि देख पा रहे हैं, मैंने दोनों को लगा लिया है। इसको थोड़ा सा ढिलाई रखिएगा जैसे मैंने किया है, क्योंकि अगर आप कस देंगे तो पूरा टाइट, उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसको आप बीच में से काट दीजिए। जैसे ही देख पा रहे हैं मैंने काट लिया है। काटने से पहले आप सबको ध्यान दीजिएगा कि इधर थोड़ा सा जगह रहना चाहिए, कुछ ज्यादा ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें इसके इधर भी आपको कुछ वाल लगेगा, यार वाल हो जाएगा, कुछ एल्बो लगेगा, इसलिए। उसके बाद इसको वाल लगाना है, इधर सनमेक दीजिए। उसके बाद वाल में आप सनमेक लगा लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप पीवीसी में भी सनमेक लगा लीजिए। अंदर घुसा दीजिए, थोड़ा देर आपको प्रेस करके रखना होगा। हो गया, इधर भी आपको कर लेना है। चलिए मैं कर लेता हूं। ये हो गया। अब जैसे कि मैंने इसको ढीला किया है, अब देखिए इस तरह रहेगा ना आपका, इसमें वेंचुरी लगेगा, इसलिए इसी तरह आपको रखना होगा। इसको अभी टाइट मत कीजिएगा, उसके बाद आपको वेंचुरी को सेट करना है। वेंचुरी सेट करने से पहले आप एक बार मिला लीजिए, एक बार सेट कर लीजिए, उसके बाद सलमेट लगा के आप टाइट कर दीजिए। पहले ही अगर आप सलमेट लगा के टाइट करेंगे तो बाद में दिक्कत हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है।
इसमें आपको टेफ्लॉन टेप लगा के कस दीजिएगा ताकि पानी लीकेज ना हो। अभी मैं सिंपल आपको दिखा रहा हूँ। टाइट कर लीजिए अच्छे से, जैसे कि टाइट हो गया। ध्यान दीजिएगा कि आप भी मेरे तरह गलती मत कीजिएगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे चलिए, जैसे कि मैंने लगा लिया है, उसके बाद आपको वेंचुरी में दोनों को कस लेना है। अच्छे से कस लीजिएगा। इसमें भी आपको टेफ्लॉन टेप लगा लेना है। जब फाइनल आपको जब कसेंगे, एकदम फिट करेंगे उस समय, उसके बाद आप फिर से आपको इसको खोलना है। खुल गया। उसके बाद आप देख एक चीज देख लीजिएगा, इनलेट और आउटलेट देखिएगा। जैसे कि जिस तरफ से आपका पानी आएगा उसी तरफ इन रखिएगा, जिस तरफ जाएगा उस तरफ आउट रखिएगा। उसके बाद आप सेट कर दीजिए। ढोंग लगाएंगे तो अच्छे से चल जाएगा। जैसे ही देख पा रहे हैं अभी छोटा हो गया है, इसलिए ढीला रखने से अच्छा होगा कि बाद में दिक्कत ना हो। एक बार देख लीजिए सीधा है कि नहीं, उसके बाद कस लीजिए। जैसे कि मैंने दोनों को कस लिया है, उसके बाद आप फिर से खोल लीजिए इसको। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। आप जब अपने घरों में लगाएंगे उसके बाद पूरा गोंद लगा लीजिएगा सब तरफ से। उसके बाद इधर भी गोंद लगा लीजिएगा। गोंद लगाने से पहले आप 16 आम का जो बीट आता है उसको अंदर से लेके छेद कर दीजिएगा, जिससे पानी आता जाता रहेगा, वेंचुरी आपका काम करेगा। अगर आप छेद नहीं करेंगे तो वेंचुरी आपका कोई काम नहीं करेगा, इसलिए छेद कर लीजिएगा। उसके बाद गोंद लगा के इसको लगा लीजिए। गोंद लगा देंगे तो आराम से चल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वेंचुरी हो गया है हमारा सेट। उसके बाद इसको इधर भी आपको टेफ्लॉन टेप लगा के टाइट कर दीजिएगा। टेफ्लॉन टेप लगा दीजिएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप पाइप लगा दीजिएगा तो आपका वेंचुरी पूरा ओके हो गया। ओके हो गया। उसके बाद आपको देखना है इधर, इधर लगाना है हमारा एयर वाल्व। ठीक है, थोड़ा सा जगह आपको गैप रखना है। चलिए इसको हम खोल लेते हैं। जैसे कि मैंने आप देख लीजिए मैंने इसको सेट कर दिया है, ये एयर वाल्व लगा दिया है। उसके बाद आपको यहाँ से कट लगाना है। चलिए ब्लेड से कट लगाते हैं। जैसे मैंने काट लिया है, काटने के बाद आपको टी लगा लेना है। थोड़ा सा टाइट जा रहा है, चलिए आपको एक ही बार में दिखाता हूं। इसमें गोंद लगा लेता हूं। देखिए
इतना स्मूथ चल गया एकदम आराम से, देख लीजिएगा सीधा है, कट हो जाएगा तो ये सीधा है। दोस्तों मैंने जब इसको लगाया था तो इसको आप इधर से खोल लीजिएगा, आपको बताना भूल गया हूँ मैं, इधर से खोल के यहाँ टेफ्लॉन टेप लगा के इसमें भी आपको ड्रिल से 16 mm ड्रिल से छेद करके उसके बाद लगाना है, तभी ये भी आपका काम करेगा, नहीं तो इसको लगाना और नहीं लगाना कोई बराबर है कोई मतलब नहीं होगा। इसको लगाना तो इधर भी आपको लगाना है, थोड़ा सा कट पीस और ले लेते हैं इधर से, जो मैंने कट पीस लिया है पीवीसी पाइप को काट के जो लिया मैंने, इसमें भी आप गोंद लगा लीजिए, और टी का जो दूसरी तरफ है, दोनों तरफ तो मैं एक तरफ तो दोनों तरफ लगा लिया हूँ, जो एक तरफ बचा है इसमें भी आप गोंद लगा लीजिए, इसमें आपको इसको लगा लीजिए। चलिए इस तरफ भी लगा लिया हूँ, इधर भी मेरे को बॉल लगा लेना है, चलिए इसमें भी आपको लगा लेना है। एल्बो को जो मुंह है वो आपको नीचे की ओर रखना है, चलिए इधर हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके सामने भी लगाऊंगा। चलिए अब इधर से काटना है, थोड़ा सा ज्यादा ही लीजिएगा, चलिए मैंने इसको काट लिया है, इसको और थोड़ा सा काट लेना है, काट लेना है, काटना है। चालू है, जैसे कि मैंने फिल्टर को ले लिया है, फिल्टर को लेके आपको ये वाला सॉकेट को लेना है, और इसमें भी आपको टेफ्लॉन टेप लगा के अच्छे से कस देना है, जैसे कि फिल्टर में मैंने कस लिया है। अब फिल्टर को लगाने से पहले भी आप देख लीजिएगा एक बार, इसमें भी आउट और इन लिखा होगा, तो आपको इनसाइड इन देना है, आउटसाइड आउट देना है। जैसे कि आपको दिखा देते हैं, आपका कोई भी बोर हो या बोनोबला पंप हो, जहां से आपका पानी आ रहा होगा, यहां से चालू करेंगे, इधर से आएगा पानी, इधर से आते आते आपको अगर आप कोई खाद छोड़ेंगे तो ऐसे ही आएगा घूम के,
कुछ इधर से भी आएगा, इसके बाद आपका देखिए पानी इधर से आ रहा है तो इधर इन होगा, और इधर आपका खेत तरफ जाएगा तो आउट होगा, तो इसको भी आपको लगा लेना है। चलिए इसमें भी बूंद लगा लेते हैं, चलिए इधर भी अब लगा लेते हैं जो कट पीस लिया था मैं, इधर भी आपको बूंद को लगा लेना है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। चलिए एल्बो को लगा लेते हैं, इसका भी मुंह आपका नीचे और रहेगा। चलिए इधर हो गया, पूरा सेट हो गया, इधर भी एक सॉकेट लगा लेना है। जैसे कि इधर कंप्लीट हो गया है, अब फिल्टर में प्रेशर गेज जो होता है, प्रेशर मीटर आप इधर लगा लीजिए, इसमें भी आप लोग टेप लगा के इधर कस दीजिएगा। इसके बाद ये जो छोटा वॉल है तो आपको इधर भी टेफ्लॉन टेप लगा के इधर कस देना है, ये फिल्टर के साथ ही आता है। ये वाला जो है इस इधर लगा देना है, इधर भी आपको टेफ्लॉन टेप लगा लेना है। दोस्तों जहां जहां चूड़ी है वहां वहां आपको टेफ्लॉन टेप लगाना ही जरूरी है, क्योंकि टेफ्लॉन टेप लगाने से ये होता है कि पानी का लीकेज जो है वो बंद हो जाता है। चलिए इधर लग गया, उसके बाद पीवीसी पाइप आपको ले लेना है। पीवीसी पाइप को जो काटेंगे आप जो फिल्टर को सेट करेंगे, आपको हाइट के अनुसार पीवीसी पाइप को काट लीजिएगा, 2 फीट 3 फीट आपके हाइट के अनुसार, 1 फीट 2 फीट काटना चाहेंगे तो उसके हिसाब से आप काट लीजिएगा। जैसे कि देख लीजिए मैंने बराबर करके काट लिया है दोनों को, इस दोनों को इसमें सेट करना है। थोड़ा जी पकड़िए फिल्टर को, पूरा सेट जो सेटअप जो है इसमें आपको लगा लेना है, गूंद लगा के इधर भी एक लगा लेना है, आपको इधर भी एक लगा लेना है। इसके बाद अब इधर नीचे आप एल्बो लगा के आप खेत का जिस तरह भी आप लेना चाहेंगे उस तरह आप ले सकते हैं, बस जरूरत आपको यह पड़ेगा अब जितना आपका मुंह निकलना होगा उतना मुंह निकाल सकते हैं, इसके थ्रू टी के थ्रू आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप वाल ले लीजिएगा, तो आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि खेत में कैसे सेट करें, तो सबसे पहले आपको ये वाला सेट करके दिखा देता हूँ। चलो जैसे कि मैंने पूरा सेट कर लिया हूँ ड्रिप के लिए, फिल्टर विल्टर पूरा लगा लिया हूँ, तो आप जब पानी चालू करेंगे तो यहाँ से आपको एक सॉकेट लगाना होगा, जो मशीन जो लगाएंगे आप पाइप को सॉकेट सेट करने के लिए, इधर आपको काट के लगाना होगा। ये तो सिर्फ खड़ा करने के लिए, दुकान में रखने के लिए मैं लगाया हूँ। उसके बाद जब पानी आपका इधर से आएगा
ये इसलिए लगाया ये वाला वाल्व, जो आपका एक्स्ट्रा पानी होगा वो आपका इधर चल जाएगा। इसके बाद जैसे कि आ रहा है आपका पानी, इसका काम है जब भी आपका मोटर बंद होता है, जब आपका मोटर पानी रिटर्न जैसे बोर से चलाते हैं तो इसका काम है जब भी आपका पानी रिटर्न जाएगा मशीन की ओर, उसके बाद इधर से आपका हवा लेगा, जिससे जब भी कोई भी पाइप आप कहीं से भी फटे ना, इसका काम वही है। उसके बाद वेंचुरी जो है ये आपका खाद खींचने के लिए, जो आपका वाटर सोल्युबल खाद होता है 19-19, 20-20, कोई भी फंगिसाइड भी आप इसका ये वेंचुरी के थ्रू आप दे सकते हैं। तो वेंचुरी को मैं फिल्टर से पहले लगाने के कारण ये है, जैसे कोई भी खाद को आप लगाते हैं घोलते हैं तो उसमें जो बालू रहता है, कोई कचरा उचरा रहता है, तो डायरेक्ट जो पाइप आपका लेटर पाइप होगा उसमें ना जाके सीधा फिल्टर से छान के लेटर पाइप में जाएगा, इसलिए मैं शुरू में वेंचुरी को लगाया हूँ। उसके बाद जैसे कि देख रहे पा रहे हैं, उसके बाद फिल्टर आ गया। इस फिल्टर में आप देखिए प्रेशर मीटर, प्रेशर मीटर इसलिए इधर लगाया हूँ, दो प्रेशर मीटर दिया है, आप दो भी लगा सकते हैं लेकिन एक जरूरी है, अब एक लगा लीजिए। इससे प्रेशर मीटर से यह होगा कि आपका फिल्टर में कितना कचरा है या पाइप में कितना प्रेशर है इसको आपको दिखा देगा। अगर इधर आपका फिल्टर लगाते हैं, प्रेशर मीटर जो लगाते हैं इधर लगाएंगे आप, इधर आइए, फिल्टर में दो तरह दो साइड में दिया हुआ है प्रेशर मीटर लगाने के लिए, प्रेशर जो गेज है दो जगह दिया हुआ है। इधर लगाएंगे तो आपको सिर्फ प्रेशर आपका पाइप का दिखाएगा, फिल्टर का नहीं दिखाएगा। अब इधर लगाया हूँ इसलिए क्योंकि जो कचरा है वो प्रेशर के थ्रू आपको पता चलेगा कि कितना कचरा जमा हुआ है, जब भी ज़्यादा कचरा जमेगा उतना मीटर में आपको दिखाई देगा, उसके बाद आप खोल के इसको साफ कर सकते हैं। उसके बाद आपका जैसे कि आपका पानी आएगा इधर से, उसके बाद आपका जितना भी एरिया में लेना होगा उतना आप एरिया ले सकते हैं, टी को बस जोड़ना है और उतना वाल लगेगा, जितना एरिया में आपको लेना होगा उतना वाल लगेगा। अब जैसे कि और एक चीज दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख कर आप देख पा रहे हैं, ये फ्लैश वाल है जिसे कहीं कहीं आपको एंड कप भी कहेंगे, इसको आप फ्लैश वाल भी कह सकते हैं। इसका काम है आप जब भी आप खेत में पीवीसी को बिछाएंगे, लास्ट में जो आपका मुंह रहेगा पीवीसी का उसमें आपको इसको लगाना है, कोई भी कचरा होगा इसको आपको खोलना है। देखिए खोलने के बाद आप नज़दीक आके दिखा दे सकते हैं इसको, ये देखिए ये छेद किया हुआ है, इससे आपका पानी जो पानी के साथ कचरा निकल जाएगा, जब पानी साफ हो जाए इसको बंद कर दीजिएगा, उसके बाद आपका लिटल पाइप में जो लिटल पाइप होता है 12 mm 16 mm उसमें आपको पानी अच्छा सब फ्रेश पानी साफ पानी चल जाएगा। चलिए आज का वीडियो इतना तक ही, आप सभी को वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले वीडियो में बताऊंगा कि खेत में किस तरह से हम लिटल पाइप को बिछाएंगे, उसके बाद पीवीसी में कैसे छेद करेंगे, टेकअप कहाँ लगता है, ज्वाइनर कहाँ लगता है, इस पूरा डिटेल से बताऊंगा अगले वीडियो में। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा ताकि अगले वीडियो को आप देख सके, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी आप जरूर दबाइएगा।